किसान साथियों, इस पेड़ की कटिंग मैंने 15 से 20 फरवरी के बीच में की थी। ये मेरा लगभग 2.5 वर्ष का पेड़ है और आपको पता होगा कि ये वो पेड़ हैं जिन्हें मैं रिप्लेस कर रहा हूँ। कुछ पौधे बचे हैं, इनको मैं अब बरसात की और सर्दियों की फसल लेकर हटा दूँगा, क्योंकि मैंने इनके स्थान पर दूसरे पौधे लगा दिए हैं। विषय यहाँ पर ये नहीं है कि मैं क्यों रिप्लेस कर रहा हूँ, विषय यहाँ पर ये है कि कटिंग के बाद हमें क्या करना चाहिए और क्यों करना चाहिए। अब मैं आपको अमरूद की कटिंग से आगे का स्टेप बताता हूँ और ये भी बताऊँगा कि ये कार्य हमें क्यों करना चाहिए। लेकिन मेरा एक निवेदन है, आज तक मैंने ये नहीं कहा कि मेरी वीडियो पूरी देखिए, मेरी वीडियो शेयर करिए या मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपकी इच्छा है आप सब्सक्राइब करिए, आपकी इच्छा है आप इसे लाइक करिए, आपकी इच्छा है आप इसे किसी के साथ शेयर करिए। लेकिन मेरी एक छोटी सी विनती मानिए कि आज इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा ज्ञान बहुत खतरनाक होता है। और अंत में मैं एक टिप बताऊंगा जिसे आपको बहुत ध्यान से सुनना। क्या कार्य करने हैं, जो कार्य करने हैं उसको बोलते हैं थिनिंग। थिनिंग का अर्थ यह होता है कि कटाई के बाद जब भरपूर कल्ले निकलते हैं तो क्या हमें उन कल्लों को रखना चाहिए या उनमें से कुछ की छटाई कर देनी चाहिए। तो आप यहाँ पर यह सोचिए कि हमें छटाई करनी है और क्यों करनी है मैं ये भी बताऊंगा, और इसके क्या फ़ायदे होंगे मैं ये भी बताऊंगा। लेकिन फिर एक विनती है, आप ध्यान से वीडियो के अंत तक ज़रूर देखिए और अंत के ज्ञान को बिल्कुल न भूलिए। अगर आपने ये मिस कर दिया अंत वाली बात तो हो सकता है आपको नुकसान भी हो जाए। किसान साथियों, थोड़ा यहाँ पर देखिए, इस पौधे को देखिए पहले, अब मैं इस पौधे को दिखाऊंगा। देखिए यहाँ पर कितने कल्ले निकले हैं। कल्ले का अर्थ है कि ये शाखाएं निकली हैं। देखिए कितनी शाखाएं हैं। धीरे धीरे पूरे पौधे को देखिए, ये देखिए, इस स्थान को ध्यान से देखिए, इस वाले को ये ध्यान से देखिए। यहाँ क्या करना है मैं बताऊँगा। इस पूरे पेड़ को देखिए किसान साथियों, मैंने अपने पूरे बाग में, आज आधे बाग में सुबह उठकर 6 बजे से मैंने थिनिंग की है उन पौधों की जिनमें मैं बरसात की फसल ले रहा हूँ। इसमें मैं बरसात की फसल भी लूँगा और इसमें मैं सर्दियों की फसल लूँगा। आइए अब मैं आपको एक दूसरा पेड़ और दिखाता हूँ। इस पौधे को चारों तरफ से देखिए और इस पौधे में क्या कमी है वो सोचिए, क्या अच्छाई है वो सोचिए, और फिर जो मैं कार्य बताऊँगा उन पर मनन कीजिए और तब कोई निर्णय आपको लेना है। जैसा मैं कर रहा हूँ बिल्कुल भी वैसा नहीं करें या करना है ये मैं अंत में बताऊँगा और किस प्रकार करना है। आइए अब मैं एक तीसरा पेड़ और दिखाऊँ। साथियों, ये मुझे बर्फ खान का पेड़ बताया है किसी ने, चूँकि ये मिक्स होकर आ गया था। अब इस पेड़ के चारों तरफ घूमिए और देखिए इस पेड़ में और उन पहले दो पेड़ में क्या अंतर है। ज़रा ध्यान से देखिए, बहुत ध्यान से देखना है आपको। किसान साथियों, आप देख रहे होंगे नीचे क्या कटे हुए पड़े हैं, ये देखिए, ये देखिए, ये दिखाओ। अब इसको दूर से देखिए पेड़ को, क्या आपको कुछ नजर आया? किसान साथियों, ये जो ये नीचे पड़े हुए हैं इसमें ये कल्ले निकले थे, ये मैंने काट दिए सुबह, और ये काट दिए। आप ध्यान से पहले वाले पेड़ को और इसको देखो तो इसे बोलते हैं थिनिंग, यानी हमें अनावश्यक कल्लों को हटाना। जब कटिंग के बाद बहुत मात्रा में फल ले आते हैं तो हमें सभी कल्ले नहीं रखने हैं। क्यों नहीं रखने हैं? अगर हम सभी कल्लों को रखेंगे तो इसमें एक समस्या आएगी, और वो समस्या वही आएगी कि किसी परिवार में ज़रूरत से ज़्यादा बच्चे हों तो वहाँ पर क्वालिटी कम हो जाएगी। ये एक साधारण सा नियम है। अगर हम सभी कल्लों को रखेंगे तो उन्हें धूप कम मिलेगी, उनमें हवा कम गुजरेगी, और फल अधिक होने की वजह से उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं होगी।
अब आप देखिए कि इसमें कहीं भी आपको कोई झुरमुट नज़र नहीं आ रहा, यानी बहुत घनापन नहीं आ रहा। और जब शाखाएं बढ़ेंगी तो लगभग कोई भी शाखा का एक दूसरे से कोई कंपटीशन नहीं होगा, एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगे। अब आइए हम चलते हैं कि हमने थिनिंग किस प्रकार करते हैं। किसान साथियों, ये ध्यान से देखिए, इसका पहला नियम है अधिकतर। वैसे जो भी नियम होगा वो कहीं ना कहीं जाकर फेल हो जाएगा, वहाँ आपको अपने विवेक का इस्तेमाल करना है। ये देखिए, एक जगह पर दो कल्ले निकले हैं, एक इधर को जा रहा है, एक इधर को जा रहा है, एक इधर को, ये तीन कल्ले हैं लगभग पास पास हैं। ये देखिए, अब मैं क्या करूँगा कि इनका कंपटीशन होगा इधर से, तो इस कल्ले को जो अंदर की तरफ जा रहा है मैं इसको हटा दूँगा यहाँ से। थोड़ी जगह बन गई। एक ये कल्ला है नीचे, यहाँ पर तीन है, ये देखिए, इसको मैं हटा दूँगा। मुझे इनमें एक तो अच्छा भोजन मिले, जितने कल्ले रहें स्वस्थ रहें, इसको भी मैं काट दूँगा। अब देखिए इस टहनी को देखिए, एक दो तीन चार, इसमें चार रह गए जबकि तीन कल्ले मैंने हटा दिए इसमें। अब देखिए, ये शाखा इधर को आ रही है और ये इधर को जा रही है, इन दोनों का कंपटीशन होगा। और जब ये यहाँ एक झुरमुट बनाएंगे, मतलब कि यहाँ पे जब ये बड़े हो जाएंगे, फल भी आएंगे, तो इसमें धूप नहीं आएगी प्रॉपर, और बरसात के मौसम में इसमें फंगस का बहुत खतरा रहेगा। तो मैं इन दोनों में से, चूँकि ये शाखा स्वस्थ है, बाहर की तरफ है, इसको मैं हटा दूँगा यहाँ से। अब ये देखिए, एक ये शाखा है यहाँ पर, ये ध्यान से देखिए, ये नीचे की तरफ जा रही है, इसको मैं हटा दूँगा यहाँ से। एक ये शाखा इस तरफ आ रही है, इसको मैं हटा दूँगा यहाँ से। अब देखिए, एक ये शाखा बची, एक ये शाखा बची, ये ऊपर को जा रही है, मैं इसको भी हटा दूँगा। अब देखिए यहाँ पर कितना स्पेस हो गया। किसान साथियों, एक और ध्यान रखना है, शकर, जितने भी शकर हैं आप कटाई करें, सिटिंग करें, ये बाद में बढ़ना बंद हो जाते हैं, इनको आप हटा दीजिए, चूँकि ये अनावश्यक एनर्जी लेते हैं। और जो आपके ये छोटे मोटे ठुंड हो, इनको भी हटा दीजिए। एक देखिए, इस टहनी से चलते हैं, एक कोई प्रॉब्लम नहीं है, दो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तीन डायरेक्शन डिफरेंस है, चार डायरेक्शन डिफरेंस है, इसके साथ में जहाँ पर ये जुड़ान हो उनमें से एक रखिए, एक हटा दीजिए। चूँकि एक ही जगह से निकलो हुए में कंपटीशन होगा, और जब वो कंपटीशन होगा तो आपको वहाँ पर एक मजबूत हो जाएगा और एक हल्का रहेगा। देखिए दोनों पास पास हैं, एक ही तरफ हैं, एक को हटा दीजिए आप, इस तरह से आप इनको साफ रखिए। अब आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि इसमें कितना लग रहा है। किसान साथियों, अब यहाँ पर आते हैं, इधर आ जाइए, देखिए कितने अच्छे कल्ले निकल रहे हैं। अब ये भी इधर को जा रहा है, मैं इसको काटूं या छोड़ूं, मैं इसको नहीं रखूंगा, जबकि मैं कल्लों का, इनका जो कलियां हैं उनका सेक्रीफाइस करूंगा। ये तीन है, एक दो तीन एक ही डायरेक्शन में बहुत पास पास है, मैं इनमें से एक हटा दूंगा। अब आइए यहां पर चलते हैं, इसको भी मैं हटा दूंगा, और ये नीचे जो दोनों ये देखिए, ये दोनों एक तरफ हैं, इनको भी हटा दूंगा। एक नियम है, एक एक डायरेक्शन में रहिए, उसके आगे दूसरी डायरेक्शन में, फिर तीसरी डायरेक्शन में, और आप देखिए यहाँ पर किस प्रकार अब धूप भी लगेगी सबको और हवा भी आएगी। किसान साथियों, इसी कार्य को बोलते हैं थिनिंग। शाखाएँ कम रहेंगी, कमज़ोर शाखा आप हटा देंगे, उनका भोजन स्वस्थ शाखाओं में जाएगा, कल्ले खूब आएंगे, और उनमें से आप जितने भी फल रखेंगे उनका बहुत अच्छा हमारे को रिजल्ट मिलेगा। ये देखिए, ये मैंने हटा दिया यहाँ से। इस प्रकार से आप इन्हें करते चले जाइए। ये देखिए, आपको ये ध्यान रखना है कि हमें जो कल्ले रखने हैं वो अपोजिट, विपरीत दिशा में रखने हैं, और जहाँ पर भी एक दूसरे को काटते हैं उनमें से एक को हमें हटाना है। और अगर जो बाहर की तरफ चल रहा है, मान लीजिए ये मेरा दायां हाथ है, ये अंदर की तरफ है, और ये बाएं हाथ का कल्ला बाहर की तरफ जा रहा है, तो दाएं हाथ का तरफ से हटा दीजिए आप इसको। ये देखिए, इसमें से ये देखिए, ये सब जो ये नहीं चल पाएंगे, तो ये अनावश्यक एनर्जी लेते रहेंगे अपनी बढ़वार के लिए, और इनसे हमें कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। अब आइए यहाँ देखते हैं, इसमें देखिए एक ही जगह पर ये दो कल्ले चल रहे हैं, एक को हटा दीजिए यहाँ से, ये ऊपर को जाएगा, ये परेशान करेगा ऊपर वालों को, इसको हटा दीजिए यहाँ से, इसको भी हटा दीजिए, इसको भी हटा दीजिए। और ये देखिए, ये शकर हैं, इनके शकर के ऊपर कोई भी नहीं निकलता, ये बंद हो जाते हैं, इनकी बढ़वार ही बंद हो जाती है। तो
तो ये अनावश्यक एनर्जी ले जाते हैं, इनको सबको हटाना है, और ये भी हटा दीजिए, और यहाँ से इसको नीचे जा रहा है, इसको भी मैं हटा दूँगा। ये देखिए ये ऊपर बढ़ रहा है, ये यहाँ पर देखिए कितना झुरमुट हो गया है यहाँ पर, तो मैं इन सबको यहाँ पर हटाऊँगा। किसान साथियों, थोड़ा जोर पड़ेगा आपको, क्योंकि किसी भी आदमी के लिए करते हुए बहुत जोर पड़ता है। देखिए यहाँ पर कोई कंपटीशन नहीं है, आइए इसको देखिए। अब यहाँ पर चलते, ये देखिए ध्यान से, एक ये कल्ला हमारा स्वस्थ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पर दो हैं, इस जो इधर को आ रहा है ये जब बढ़ेगा इस डायरेक्शन में इसे परेशान करेगा, इसको हम हटा देंगे, इसे ऊपर वाले को चलने दें। ये देखिए सकर है, इसके आगे नहीं बढ़ोतरी होगी, लेकिन ये पत्ते अननेसेसरी एनर्जी लेते रहेंगे। इस प्रकार इनको हटा दीजिए, इस वाले को हटा दीजिए, इसे भी जो उधर है जा रहा, अब ये दोनों चलेंगे, इसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसी प्रकार यहाँ से मैं करता हूँ, किसान साथियों अब ये देखिए मैंने कितने कल्ले काटे हैं, नीचे ज़रा नज़र दौड़ाइए, और थोड़ा सा इस पेड़ को देखिए कि अब कितना साफ़ सुथरा और सुंदर लग रहा है, और इसको 15 दिन बाद आप देखना कि कितना खूबसूरत ये नज़र आएगा, और इस पर अच्छे खासी मात्रा में अमरूद आएंगे और बड़े स्वस्थ अमरूद। अब मैं इस ललित की कटिंग करता हूँ, देखिए किसान साथियों ये देखिए अब इस पर कितना सुंदर पौधा लग रहा है। अंतिम बात जो मैं बताने जा रहा हूँ कंठस्थ कर लीजिए, आज की दुनिया में किसी पर भी आँख मूंद कर विश्वास नहीं करना है, चाहे मैं ही हूँ। अगर आप सैद्धांतिक रूप से इस थिनिंग से संतुष्ट हैं, तो मेरा आप लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन है कि पहले वर्ष केवल एक पौधे में, दो पौधे में, पांच पौधे में या एक लाइन में कर देखें। अगर आपको उसमें और बिना छटाई किए हुए पौधों के जो फल आएंगे उनकी गुणवत्ता में और उसकी पैदावार में कोई अंतर नज़र नहीं आया, तो आप इसे आगे मत बढ़ाइए और मुझे दोष न दें। किसान साथियों जो ये छटाई का कार्य है मैंने बहुत बाद में बताया और कहा कि पहले मैं करूँगा। मैंने आज जिन पौधों से मैं ये ले रहा हूँ, अमरूद ले रहा हूँ, मैं इनके अमरूद भी दिखाऊँगा कितने स्वस्थ अमरूद होंगे और क्वालिटी की वैल्यू होती है। अंतिम बात, हाई डेंसिटी में छटिंग कर सकते हैं, लो डेंसिटी में जो बहुत बड़े पेड़ हैं उसमें छटिंग आपके लिए बहुत मुश्किल है, और इसीलिए वहाँ पर छोटे छोटे फल आते हैं। किसान साथियों ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो आप इसे लाइक अवश्य करें। आज मैं कह रहा हूँ मेरा साहस बढ़ेगा, और फिर एक बार दोहरा रहा हूँ कि आँख मूंद कर किसी पर विश्वास मत कीजिए, अपने एक दो पाँच दस पौधों में कर देखिए, अगर आपको फ़ायदा लगता है तो आप अगली बार पूरे खेत में अपनाइए, नहीं तो छोड़ दीजिए इसको। इसी के साथ विदा लेता हूँ, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।